सब्र का फल मीठा होता है। पवन सिंह के लिए शायद ये कहावत सबसे फिट बैठती है। पवन सिंह भले ही कभी किसी मैटर में न बोले, भोजपुरी की एक बड़ी अभिनेत्री ने ये दावा करके कि वो पवन सिंह की बदौलत ही बड़ी स्टार है, ये कहकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद कर दी है, खासकर उनके विरोधियों की। हम बात खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह की कर रहे हैं। वैसे भी हमें नाम छुपाने या फिर ब्लाइंड न्यूज़ देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ हम आपको बता दें, हाल ही में काजल राघवानी ने जिस तरह का इंटरव्यू दिया है, उसके बाद ये बात साफ हो गई है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चुप रहने को लोग कमजोरी समझ बैठते हैं, और यही कुछ पवन सिंह के साथ हो रहा था। लेकिन भाई, पवन सिंह का दबदबा इस कदर है कि लोग उनके खिलाफ पूरी तरह से जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर काजल राघवानी ठहरी एक एक्ट्रेस, ऊपर से उन पर आरोप लगता है कि वो है एक गुजराती, वो बाहरी है इसलिए उनका बिहेवियर ये है। लेकिन यहाँ पर काजल राघवानी ने एक बात और बड़ी मज़ेदार कही कि आप सभी बिहारी होकर भी, आप एक ही प्रांत के होकर भी तो एक दूसरे के नहीं हो रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, भोजपुरिया जितने सितारे हैं। और यहाँ पर काजल राघवानी ने बहुत कुछ खुलासे किए। ये इंटरव्यू देखने के बाद हर किसी को अब ये समझ में आ गया है कि खेसारी लाल यादव के डबल फेस हैं, जबकि यही कुछ इल्ज़ाम कुछ रोज़ पहले अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर लगाए थे कि उनके डबल फेस हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं। लेकिन पवन सिंह में इतनी अच्छाई थी कि पवन सिंह लाइव आकर कभी कुछ रोते नहीं हैं, कभी कुछ किसी के खिलाफ कहते नहीं हैं। हाँ, ये बात और है, करते ज़रूर होंगे लेकिन कहते कुछ नहीं हैं। यहाँ सेम थिंग खेसारी लाल यादव का इंस्टेंट रिएक्शन आया। इधर काजल राघवानी इंटरव्यू देती हैं, सुबह सुबह तड़के खेसारी लाल यादव लाइव आते हैं और वो अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पर उन्होंने टारगेट किया है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी के कर्ता धर्ता रत्नाकर कुमार पर। जी हाँ, ये सब कुछ बातें जो उन्होंने अपने लाइव में बोली हैं वो रत्नाकर कुमार पर बोली हैं और काजल राघवानी पर बोली हैं। खैर, हम फिर अपने टॉपिक पर आते हैं, आपको भटकाते नहीं। वैसे तो मीडिया पर इल्ज़ाम लगता है कि मीडिया बेवजह की बातें बना रही है, मीडिया बेवजह की बातें बना रही है। अरे भाई, बेवजह की बातें कभी नहीं बनाती है मीडिया। ज़्यादातर मीडिया वालों पर आरोप लगता है कि पवन खेसारी को लड़ाया जा रहा है। अरे जब वो कभी के दोस्त ही नहीं थे तो लड़ाया कहाँ से जाएगा। खैर, फिर हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और आपको ये बताते हैं, कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में ये साबित ज़रूर हो गया है कि यहाँ पर हीरो की सत्ता चलती है, यहाँ सरवाइव करना मुश्किल है। जो सफल है उसके पीछे 10 लोग हैं खींचने वाले, ये सोचने समझने की देर है। लेकिन एक बात तो तय है, काजल राघवानी के इस इंटरव्यू के बाद खेसारी के फैंस में आग लग चुकी है, और आग इस कदर कि काजल राघवानी को भद्दे कमेंट, भद्दी गालियां, और तो और काजल राघवानी को जितना सुनना पड़ रहा है शायद ही किसी को सुनना पड़ रहा हो। सच्चाई बोलने का काजल राघवानी को भुगतान भुगतना पड़ रहा है, और उसके बाद भी काजल काफ़ी चिल्ड आउट है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।